नमस्कार वहाला विद्यार्थी मित्रों, अपनी आ चैनल में तमारू हार्दिक स्वागत है। तो आज आपणे धोरण 8 विषय हिंदी के जेमा चैप्टर नंबर 3 अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम के जेनु स्वाध्यायनु संपूर्ण सोल्यूशन करीशुं। तो चालो विद्यार्थी मित्रों, अंतरिक्ष परी सुनीता विलियमनु स्वाध्यायनु संपूर्ण सोल्यूशन जोईए। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जिसमें पहला है सुनीता कितने समय तक अंतरिक्ष में रहकर लौटी। उत्तर, सुनीता 194 दिन 18 घंटे और 58 मिनट अंतरिक्ष में रहकर लौटी। दूसरा, सुनीता ने अंतरिक्ष में कितने प्रकार के रिकॉर्ड बनाए। उत्तर, सुनीता ने अप्रैल 2007 में अंतरिक्ष के बॉस्टन मैराथन में भाग लिया था। इसमें 4 घंटे 24 मिनट और 42 किमी का सफर तय करके वह प्रथम स्थान पर रही थी। सुनीता से पहले शैनन ल्यूजिक नाम का अंतरिक्ष यात्री 188 दिन और वह 4 घंटे अंतरिक्ष में रहा था। सुनीता ने अंतरिक्ष में उससे 6 दिन 14 घंटे अधिक तक समय तक रहकर ल्यूजिक का रिकॉर्ड तोड़ा। इसी प्रकार 29 घंटे 70 मिनट तक स्पेन वॉट करके उसके एक नया रिकॉर्ड बनाया। इस तरह सुनीता ने अंतरिक्ष में अनेक प्रकार के रिकॉर्ड बनाए। तीसरा, अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स के अलावा हमारे देश के अंतरिक्ष यात्री कौन कौन है। उत्तर, अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स के अलावा हमारे देश के अंतरिक्ष यात्री है राकेश शर्मा और कल्पना चावला। चौथा, हमें किस बात का गर्व है। उत्तर, सुनीता भारतीय नागरिक नहीं है, परंतु उसका मूल भारत से उनके पिता दीपक भाई पंड्या जन्म से गुजराती है। उन्होंने अपना आधा जीवन गुजरात में बिताया था। यहाँ वह एक सफल डॉक्टर के रूप में है। 1960 में वे हमेशा के लिए अमेरिका चले गए। वहाँ उन्होंने युगोस्लाविया की उर्स बाइन बॉनी नामक युवती से शादी की। उनकी 3 संतानें में सुनीता सबसे छोटी है। इस प्रकार गुजराती मूल होने के कारण सुनीता भारतीय है। इस तरह सुनीता के भारतीय होने पर हमें गर्व है। पांचवा, सुनीता ने अपने सपने कैसे साकार किए। उत्तर, अंतरिक्ष में जाने की सुनीता की तीव्र इच्छा थी, इसलिए पायलट बनने के बाद वे नासा जाने में सफल हुई। वहां उन्हें कड़ा प्रशिक्षण दिया गया। अंतरिक्ष कार्यक्रम तथा अंतरिक्ष यान आदि में बारे में जानकारी पाने के लिए उन्होंने रूस में रहना पड़ा। पूरी तैयारी के लिए वे 9 दिन पानी में भी रही। उनका पूरा प्रशिक्षण 8 साल में खत्म हुआ। उसके बाद वे डिक्शनरी मिशन में शामिल हुई और 10 दिसंबर 1907 को अटलांटिक अंतरिक्ष यान से स्पेन स्टेशन पहुंची। इस प्रकार सुनीता ने अपने सपने साकार किए। छठवां, अंतरिक्ष यात्रा में किस प्रकार की मुश्किलें आती है। उत्तर, अंतरिक्ष स्पेन स्टेशन में रहना आसान नहीं है। वहां खाने से लेकर खाने तक भी सभी क्रियाओं में मुश्किलियां हैं। प्रश्न 2, अंदाज अपना अपना। पहला, अहमदाबाद हवाई अड्डे पर उत्तेजना थी। उत्तर, हवाई जहाज अड्डे पर उत्तेजना थी क्योंकि अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स हवाई जहाज से वहां पहुंची थी। दूसरा, हमें नारी का सम्मान करना चाहिए। उत्तर, आज महिला हर एक क्षेत्र में आगे है, उनमें ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर आसी होने की योग्यता है, इसलिए हमें नारी का सम्मान करना चाहिए। तीसरा, सुनीता पंड्या सुनीता विलियम बनी। उत्तर, माइकल विलियम सुनीता पंड्या के खास मित्र और सहपाठी थे। सुनीता उनसे शादी करने के कारण सुनीता पंड्या से सुनीता विलियम बनी।
चौथा, कल्पना चावला हमारी कल्पना बनकर रह गई। उत्तर, कल्पना चावला अंतरिक्ष अभियान पूरा करके बाद लौटते समय एक दुर्घटना में चल बसी, इस तरह वे अपनी कल्पना बनकर रह गई। प्रश्न तीन, निम्नलिखित पात्रों का परिचय दीजिए, जिसमें पहला है इंदिरा गांधी, ये स्वतंत्र भारत की प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की पुत्री थी। इनकी माता का नाम कमला देवी था। इंदिरा दी का जन्म 19 नवंबर 1970 को इलाहाबाद में हुआ था। इनकी शिक्षा अलाहाबाद और शांतिनिकेतन में हुई। सन 1942 में इनका विवाह फिरोज गांधी से हुआ। ये लगभग 70 वर्ष तक भारत की प्रधानमंत्री रही। इनके समय में भारत एक शक्तिशाली देश के स्वरूप में उभरा। 31 अक्टूबर 1974 में उनके दो रक्षकों ने ही उनकी हत्या कर दी। इनके मृत्यु के बाद इनके बड़े पुत्र राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री बने। दूसरा है सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा भारत की प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी है। इनका जन्म 15 नवंबर 1989 को मुंबई में हुआ था। ये हैदराबाद के रहने वाली है। इन्होंने 6 वर्ष की उम्र में ही टेनिस खेलना शुरू कर दिया था। कोच सीजी के लिए सन 2005 में ये अमेरिकन ओपन के ग्रैंड स्लैम की चौथे राउंड तक पहुंचने में सफल रही। उन्हें दुबई और हैदराबाद की कई चैंपियनशिप जीती। भारत सरकार ने उन्हें अर्जुन पुरस्कार देकर सम्मानित किया है। तीसरा, किरण बेदी। किरण बेदी का जन्म 9 जून 1949 में अमृतसर में मध्यम वर्ग के एक प्रगतिशील परिवार में हुआ। बचपन से ही उन्हें टेनिस के में प्रति लगाव था। टेनिस की राष्ट्रीय स्पर्धाओं में उन्हें अच्छा नाम कमाया। सन 1972 में उन्हें आईपीएस परीक्षा पास की। उच्च कोटि के पुलिस अफसर बनने वाली वे पहली भारतीय महिला है। दिल्ली की तिराह जेल के जेल अधीक्षक के पद पर रहकर उनके काफी सुधार कार्य किए। अपने साहस, कर्तव्य निष्ठा और कार्य शुकलता के लिए उन्हें कई पुरस्कार और मेडल मिले हैं। चौथा, मल्लिका साराभाई। मल्लिका साराभाई भारत की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। उनकी माता मृणालिनी की उच्च कोटि की नर्तकी थी। मल्लिका के पिता विक्रम साराभाई प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे। मल्लिका का जन्म 1 मई 1954 को अहमदाबाद में हुआ था। ये कुचिपुड़ी नृत्य और भरतनाट्यम में प्रारंग्र है। ये समाज सुधारक की प्रवृत्तियों में भी रुचि लेती है। चौथा है कल्पना चावला। भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का जन्म 1961 में करनाल शहर में हुआ था। दूर आकाश में उड़ान भरना उनके जीवन का स्वप्न था। उन्होंने 2 बार अंतरिक्ष की यात्रा की। पहली बार 19 नवंबर 1997 और दूसरी बार 16 अक्टूबर 2003 को। दूसरी बार की सफल यात्रा के बाद 1 फरवरी 2003 को उनका यंत्रिशयान पृथ्वी की ओर लौट रहा था। दुर्घटना से पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करने ही यान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और कल्पना चावला अपने 6 साथियों के साथ चल बसी। पांचवा, पीटी उषा। उड़न परी और स्वर्ण बाला के नामों से प्रसिद्ध पीटी उषा भारत की महान धाविका है। उनका जन्म 27 जून 1964 में कोझिकोड़ा में हुआ था। कोच माम्बिया ने उनकी प्रतिमा को पहचाना और उन्हें प्रशिक्षण दिया। विभिन्न दौड़ प्रतियोगिताओं में उन्हें अनेक स्वर्ण और रजत पुरस्कार जीते। सन 1986 में एशियन खेलों में उन्होंने 4 स्वर्ण पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाया।
प्रश्न चित्र के आधार पर काव्य लिखिए, जिसमें यहाँ पे चित्र फूल का दिया गया है। उत्तर, कितना सुंदर प्यारा फूल, देखो रहा हवा में झूल, मधुर मधुर इसकी मुस्कान, यह तो है बाग की शान। थैंक यू वाला विद्यार्थी मित्रों।